तो आज मैं सोची कि मैं डेली डेली कैंटीन में खाती हूँ, आज मैं सुबह सुबह उठ के बहुत जल्दी उठ के अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा और उसको मैं चटनी के साथ खाऊंगी, और ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइस मेरा स्टफिंग रेडी हो चुका है सत्तू का। अभी आटा का लोई लेके इसके अंदर जो स्टफिंग है उसको डालेंगे और उसके बाद छोटा सा रोटी टाइप का बना लेंगे। एंड गाइस मैंने सोचा है कि एग्जाम के बाद ना मैं अगले महीने से सोच रही हूँ कि 10 वीडियो नहीं डाल के 12 वीडियो डालूंगी, ताकि मतलब आप लोग को भी ऐसा नहीं लगे कि वीडियो नहीं डालती। तो मैं सोच रही हूँ कि एक वीक में 3 वीडियो डालूंगी, लाइक मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो ऐसे करके 12 वीडियो हो जाएगा 4 वीक में। तो ऐसे मैं सोची हूँ, आप लोग बताना मतलब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। और मेरा खाना बन चुका है, और मेरा ना एक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आया था, एक ड्रेस था, तो वो मैं अनबॉक्सिंग करना भूल गई थी। तो आज मुझे पहनना था तो मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, और मैंने सावर वगैरह भी ले लिया था। तो गाइज मैं ये ड्रेस पहन कर जा रही हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, और अभी थोड़ा सा हेयर स्टाइल को ठीक करते हैं और फिर थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे और फिर जाएंगे कॉलेज के लिए। आज मेरा प्री सेशनल एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग का। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है बिकॉज कुछ नोट्स ही नहीं दिए हैं, और मैं जाके ही पढ़ूँगी। सो आज मैं ये वाला इयर रिंग पहनूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला। तो ये वाला आज मैं पहन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग पूछ रहे थे कौन सा लिपस्टिक लगाती है, ये वाला न्यूड ट्विस्ट। ओके एंड थोड़ा सा मैं ब्लश लगाऊंगी, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा सा ब्लश लगाती हूँ मैं डेली। ये ब्लश का कमाल है और अच्छा हो जाता है मेरा स्किन। अप्लाई थोड़ा सा ब्लश एंड ऑल एंड आई एम गुड टू गो। बस मैं ऐसे ही लगाती हूँ, आई डोंट नो कितना ज़्यादा लगा है। थोड़ा सा काजल लगा लूँगी बिकॉज मैंने पहले लगाया हुआ है ना, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, सो आई हैव टू अप्लाई सम मस्कारा एंड ऑल। हेयर स्टाइल में क्या करूंगी मुझे खुद पता नहीं है। सो गाइज हियर इज माई फाइनल लुक एंड आई हैव टू गो नाउ बिकॉज आई एम टू लेट। और मैंने ये वाइट कलर का हील्स पहना है जो मैंने पूरी जाने वक्त खरीदा था, और अभी मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ। सो गाइज अभी मैंने एग्जाम लिखा, एग्जाम बड़ी अच्छा गया है प्री टेस्ट। सो अब बारी है सेकेंड प्री टेस्ट का। आफ्टर लंच ब्रेक सेकेंड यूनिट टेस्ट विल बी कंडक्टेड। सो गाइज लंच करने के लिए हम लोग आ गए हैं कैंटीन, और आज मैं अपना लंच लेके आई हूँ, तो आराम से खा रहे थे। मेरी फ्रेंड नहीं लेके आई थी इसीलिए हम लोग आए और यहाँ पे खा रहे थे सब साथ में मिलके। तो लंच के बाद हम लोग का फिर से मतलब एग्जाम होने वाला था, इसलिए हम लोग और कुछ व्लॉग व्लॉग नहीं किए, और छुट्टी होने के बाद भी मैं कुछ व्लॉग नहीं की। तो मैं आपको सीधा घर जाके मिलती हूँ। तो घर आके मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं किया, इतना कुछ खाना वगैरह बनाई लेकिन मैं व्लॉग नहीं की, क्योंकि मेरा जो फ़ोन का बैटरी पूरा डेड हो चुका था इसीलिए। तो ये खाना में है दाल, चावल, एक भुर्जी, बहुत सारा वेजिटेबल, उसके साथ चोखा। और मैं देख रही थी ये पॉडकास्ट जो भारती दी का है, और मैं खाते खाते देख रही थी यार, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका वीडियो देखना, बहुत कॉमेडी करती, बहुत मज़ा आता है। सो मेरा पेन ख़त्म हो गया था, और मुझे ये वाला पेन बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैं आ गई लेने। और
मेरे पास पेन है बट ये पेन बहुत अच्छा लग रहा था इसीलिए मैं ये पेन लेने आ गई। और सुबह मेरा क्लास है तो मुझे फटाफट जाना पड़ेगा, अब इतना सारा गाड़ी आया है। सो गाइस वी एट देयर बट आई फॉरगेट टू ब्रिंग माय बैग। हां बाद में चॉकलेट आल्सो एंड फॉरगॉट अबाउट, आई लव चॉकलेट एंड देयर इज चॉकलेट बट इट कैन फेयर एंड एनीथिंग एनीथिंग एक्सेप्ट फोन except phone yeah because he wants to vlog. Yes yes every time. Hey you look pretty. Don't hide your face, she looks nice. She always looks nice. No but center of attraction. Vaishnavi is center of attraction. She's model. Yeah she's a model. How can I do like this because of that chocolate? I forget everything. Here it is. सो हमने एग्जाम दे दिया है और एग्जाम बहुत अच्छा गया है। मैं बस लिखी रही थी इतना ज़्यादा अच्छा गया क्योंकि सब मुझे आता था एक्सेप्ट वन क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो मुझे नहीं आता था बट मैंने कुछ भी लिख दिया। आई थिंक वो भी सही होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ काम से थोड़ा सा। सो गाइज बिफोर गोइंग होम मुझे चाहिए था कॉफ़ी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कॉफ़ी पीना और मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा कॉफ़ी पीना बिकॉज मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो गाइज मैं कॉलेज से आई और उसके बाद खाना बनाई हूँ और खाने में है आज बहुत सारा कुछ क्योंकि मैं सब्जी नहीं बनाई हूँ तो सोची कि कुछ कुछ चीज़ बनाते हैं जो हेल्दी है। और मैं खा रही हूँ अंडा, उसके साथ सलाद और चटनी, ग्रीन चटनी जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई हैव थायराइड ना, दैट्स वाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ठीक हो जाता है। मेरा थायराइड अभी बहुत ठीक है। फिर मैं बनाई बहुत सारा दाल। तो ये रहा आज का मेरा थाली, राइस, एक भुर्जी, सलाद और उसके साथ ही ग्रीन चटनी और ये दाल फ्राई। हे गाइस इट्स डे 3 और आज मैं बहुत सारा कपड़ा धोई, लिटरली जितना भी मेरे पास कपड़ा था सब धो दी हूँ, बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ। तो देख सकते हो आज मैं बहुत टायर्ड हूँ और आज है संडे। इतना सारा कपड़ा धोने के बाद मैंने बहुत ही अच्छा शावर लिया और उसके बाद मैं गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। मैंने आज बहुत सारा वेजिटेबल लिया क्योंकि ख़त्म हो गया था। मुझे आज मशरूम भी ट्राई करना था, मैंने कभी पैकेट वाला मशरूम ट्राई नहीं की थी, मैं ये ली इसलिए। और उसके बाद मैंने क्यूकम्बर लिया, कैरेट लिया, ब्रिंजल लिया और उसके साथ छोटा सा एक कद्दू भी ली हूँ क्योंकि ये बहुत मुझे क्यूट लग रहा था। तो मैं आपको घर जा कर दिखाती हूँ क्या क्या मैं खरीदी हूँ। तो मैं सोची थी कि आज संडे है तो आज मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि मैं इतना सारा काम की, झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, जितना मेरा बेडशीट वगैरह, कंबल वगैरह सब कुछ धो दी। अभी रूम में कुछ नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ वॉश कर दी। और मैं सोची थी कि आज रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं, कुछ व्लॉग नहीं करेंगे बट मैं सोची कि थोड़ा सा कर देते हैं व्लॉगिंग क्योंकि मैं बोर हो रही थी और व्लॉगिंग करने से लगता है कि कोई है मेरे साथ, बात कर रही हूँ मैं जिसके साथ, तो इसीलिए मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। अभी मैं अभी जस्ट गई थी ग्रोसरी का शॉपिंग करने, थोड़ा बहुत मैं ग्रोसरी का सामान लेके आई हूँ और अब से मैं मशरूम ऐड करूँगी क्योंकि मैं बताती हूँ कि मशरूम मैं खाती थी जब मेरे गांव में होता था वो नेचुरल वाला, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि डेली कुछ ना कुछ, तो डेली नहीं होने से भी मैं ऑल्टरनेट डे में मशरूम ऐड करूँगी अपने डाइट में बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी के लिए भी और प्रोबायोटिक्स भी इसके अंदर होता है, बहुत कुछ होता है मिनरल वगैरह। तो मैं कल रात को ही पढ़ी थी कि कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है विटामिन डी का, कैल्शियम का, सो यू हैव टू ऐड सम मशरूम एंड ऑल, चिकन वगैरह। लेकिन मैं एक दिन चिकन पकाई थी, पता नहीं आजकल मुझे चिकन खाने ही मन नहीं करता, अजीब लगता है। मतलब खाई थी मैं उस दिन, एक ही दिन खाई थी, उसके बाद मुझे मन नहीं किया। मैं भी बहुत दिन नहीं खाई हूँ इसीलिए। और मुझे, मेरे मानना है कि मुझे चिकन वगैरह घर में सबके साथ बैठ के मेरी मम्मी पकाए तब जाके अच्छा लगता है, अदरवाइज मुझे पसंद नहीं है। मैं सब्जी खाना बहुत पसंद करती हूँ
और अभी तो मैं फिलहाल नहीं बना रही थी, लेकिन एक दिन बनाई थी वो शायद मैं इतना थोड़ा खाई हूँ, बाकी सब फेंक दी थी मैं, क्योंकि नहीं खाने मन किया। मैं टेस्टी बना था बट खाने मन नहीं किया, पता नहीं क्यों। एंड गाइज, मैं ब्लड रिपोर्ट की थी जमशेदपुर में ही, क्योंकि मेरा जानना था क्या विटामिन डी है, मतलब कौन कौन सा मेरा बॉडी में प्रॉब्लम है, कौन सा नहीं प्रॉब्लम है। तो उसमें दिखा था मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम, बट तभी के हिसाब से अभी बहुत चेंज हुआ है। आई थिंक मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, उस टाइम मेरा 11.9 समथिंग था, अभी मेरा शायद अच्छा हो गया, क्योंकि अभी ऐसे फील होता है मुझे अच्छा हो गया है। नेल्स वगैरह जो इधर साइड वाला नाखून का जो स्किन है वो अभी नहीं उखड़ता है उतना, मतलब उखड़ता ही नहीं है मेरा, और ग्लो स्किन हो रहा है मेरा, पहले से बहुत ग्लोइंग स्किन हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारा वेजिटेबल खा रही हूँ, बहुत सारा पानी पी रही हूँ, और मैं गलती से ही मान लो या फिर बाय मिस्टेक मेरा इंटीमिटेड फास्टिंग हो जा रहा है। दैट्स वाई मैं अभी अपने बॉडी को अच्छा फील कर पा रही हूँ। जैसे कि मैं एक ही बार मैं खाती हूँ, एक बार लंच में खा लिए, जो भी ब्रेकफास्ट मैं लेके जाती हूँ उसी को लंच में 12 बजे खाती हूँ कॉलेज में। उसके बाद फिर मैं डिनर नहीं करती हूँ, मैं डिनर के वजह मैं कब खाती हूँ, कॉलेज से आते साथ 5 से 6 बजे तक, और अगर जल्दी आई तो 4 बजे, ऐसे टाइम मैं खा लेती हूँ, फिर सीधा खाती हूँ 12 बजे। तो बचता ही नहीं है ना टाइम का रहा है, आई डोंट नो मेरा वेट कितना है कितना नहीं है। ऑल्दो मैं आज थोड़ा सा जंक खाई हूँ, आज मैंने एक पेस्ट्री खाया, सो गाइज, मैंने नोटिस किया कि मेरे खिड़की के सामने कबूतर आते हैं, तो मैं सोची कि थोड़ा सा इनको ये चावल के दाने दे देते हैं। तो गाइज, मैं अभी जा रही हूँ जेरोक्स करवाने मेरा नोट्स का, क्योंकि अभी मुझे चाहिए नोट्स, मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ अभी अचानक 2 बजे। तो गाइस, मैंने ये जेरोक्स कर लिया, अब इसी के भरोसे पास होना है, क्योंकि फिर नहीं तो इतना सारा क्वेश्चन दी है मैम, याद करते करते पागल हो जाएंगे। सो यहाँ से शॉर्टकट है, मतलब यहाँ शॉर्टकट वाला नोट्स है, इतना पढ़ लेने से आराम से पास हो जाएंगे, मतलब 30 में 2022 आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और आज को इतना धूप है कि क्या बताऊँ, बहुत धूप है आज को, मैं किधर किधर से जा रही हूँ पता नहीं, लेकिन धूप में मेरे को मज़ा आ रहा है। तो अभी फाइनली मैं बनाने वाली हूँ मशरूम, एज यू ऑल नो कि मैं मशरूम लेके आई थी, और इसको बहुत ही अच्छे से पहले धोएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कीड़ा भी रहता है, तो उसको अच्छे से वॉश करना पड़ता है, तो उसको पहले गर्म पानी से वॉश करेंगे, देन उसके बाद फिर नल में अच्छे से वॉश करेंगे। Thank you.
तो फाइनली खाना बन चुका है, अब थोड़ा सा सैलेड काटूंगी फिर खाऊंगी। तो ये रहा मेरा खाना बन चुका है और मैं ये बाउल में खा रही हूँ क्योंकि मेरा सारा बर्तन गंदा है इसलिए खाना पड़ रहा है और मैं स्क्रॉलिंग करते हुए खाना खा रही हूँ जो बहुत बुरा चीज़ है। तो देखो एक बार मैं कपड़ा नहीं धोने का नतीजा, इतना सारा कपड़ा धोना रहता है बट मुझे अच्छा लगता है एक बार में धोना। और मेरी मम्मी बोलती है हमेशा कि डेली का डेली धो, लेकिन मेरा पता नहीं ऐसे आलसी वाला आदत है, मैं एक ही बार में धोती हूँ। तो अभी कपड़ा समेटने के बाद मुझे बहुत सारा पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करेंगे। और लो कर दिया मैंने डब्बा गुल, जस्ट मैंने एकदम हेल्दी हेल्दी खाया दिन भर और अभी मैंने सारा कुछ बर्बाद कर दिया। क्योंकि जब आप टेंशन में होते हैं ना पता नहीं क्या करने मन करता, तो इसको पढ़ते पढ़ते मैंने मैगी का सोचा। तो गाइज अभी मैं रात में 11 बजने के लिए बस 20 मिनट बाकी है और मैं अभी मैगी खा रही हूँ। आई डोंट नो क्यों खा रही हूँ मैं सुबह से इतना हेल्दी चीज़ खाई लेकिन अभी बेकार कर दी बिकॉज मुझे क्रेविंग हो रहा है। क्रेविंग क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे याद नहीं हो रहा, जब मैं मे बी टेंशन में होती हूँ तब मैं फूड खाती हूँ शायद, क्योंकि अभी मुझे केमिस्ट्री का पढ़ना है और इधर से निकल जा रहा है सब कुछ इसलिए मैं खा रही हूँ। इतना 4-3 एग्ज़ाम गया एकदम मस्त गया, लेकिन केमिस्ट्री आते साथ क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग घूम गया। मैं समझी थी लेकिन अब भूल गई, उस टाइम इतना पैनिक में, मतलब थोड़ा सा टाइम मिलता उसमें याद करो ना, सब भूल गई थी। छोड़ो भाई अभी मैगी ठंडा हो रहा है, बाकी देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। बट फिलहाल आई हैव टू ईट समथिंग मन को अच्छा करने वाला। एक बार मुंह में घुसते ही रिलैक्स फील हो गया क्योंकि टेंशन था ना। 20 मिनट में मैं खा लूँगी फिर 11 से 12 या फिर 1 बजे तक पढ़ूंगी और फिर कल को देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाय बाय।